साथियों सलाम आदाब नमस्कार जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज हम अमरोहा लोकसभा में आए हुए हैं सर्टिफिकेट वितरण के कार्यक्रम में। मैं उत्तर प्रदेश प्रभारी इस्लाम मोहम्मद भारती यहाँ पर आया हुआ हूँ और टीम शाह सर को लेकर आया हुआ हूँ। यहाँ पर पूरे व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही सभ्य और सिविलाइज्ड जनता है यहाँ की, आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लोगों को बोला कि आप व्यवस्थित रूप से खड़े हो जाइए, मैं भी दिखाऊंगा कितने व्यवस्थित रूप से लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर अपनी समस्या को पूरे देश को बताने के लिए, अपनी मजबूरी को पूरे देश को बताने के लिए। साथियों आप लोग जुड़े रहें, देश दुनिया में जैसे आप लोग सर को सुनते हैं सुनते रहें। आज सुनिए अमरोहा की क्या समस्या, वो आपको बताएंगे। मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगा, मैं दिखा देना चाहता हूं किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर सर्टिफिकेट फाइल नंबर दिया जा रहा है और सर्टिफिकेट वितरण का कार्य होगा। बहुत ही व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारे वॉलंटियर हैं जो यहां पर व्यवस्था देख रहे हैं। ये देखिए मैं दिखा देना चाहता हूँ, देखिए लाइन कितनी व्यवस्था, इतने अमरोहा के सब और सिविलाइज्ड लोग हैं। आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बाहर तक लाइन लगी हुई है। मैं एक करके आप सभी के पास आऊँगा, आप सभी अपनी समस्या रख सकते हैं, मैं यहीं से आ जाता हूँ। जो भाई अपनी समस्या रखना चाहे अपना हाथ उठा दे, मैं उसके पास एक करके आ जाता हूँ। जो अपनी बात रखना चाहे, कोई मजबूरी हो, कुछ बात करना चाहे, वो हाथ उठा दे, मैं उसके पास आऊँगा। अपनी समस्या बताएं, अपनी मजबूरियों को बताएं और इस पेज से सब लोग, पूरा देश सुना जाता है इस पेज से। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र सिंह है, जिला शाहजहाँपुर के हैं। शाहजहाँपुर से आए हुए, कितने किलोमीटर पड़ता है? कितने किलोमीटर पड़ता है शाहजहाँपुर? बरेली के पास से, बहुत दूर से आए हुए हैं जी। बताएं क्या बताना चाहते हैं? शाहजहाँपुर के हमने सर दो एक बार लोन लिया, उसका लोन हमने सब निपटा दिया, लेकिन अब की हमने 2010 में लोन लिया था, उसके बावजूद हमने देने विचार था मेरा कि हम वापस करेंगे सरकार, लेकिन उसी बीच में मैंने ऑपरेशन कराया एम सर मेनका गांधी के लेटर से। वो मेनका गांधी खुद जानती हैं सांसद इनकी स्थिति क्या थी, उन्होंने लेटर लिखा, हम एम्स गए, हमने इलाज कराई। उसके बाद फिर विचार मेरा बना कि इसका जब खर्चा जमा कर देंगे, मेरा लड़का जो जवान था पैदा करने वाला, उसका एक्सीडेंट हो गया चंडीगढ़ में, वहाँ से हम लाश लेके आया सर। ऐसी स्थिति में हम निपटाने से, और उस बीच में कोरोना भी आ गया, नोटबंदी भी हुई, इस समस्या से हिलक गए सर, अभी तक हमने नहीं निपटा पाया। अब उसका 60,000 हमने लिया तो मैनेजर साहब ने भेजा है 3,25,000 रुपया का नोट हमारे पास। एक मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको। आपके बेटे की मृत्यु हो गई थी आपने ये बताया, हाँ। और आप बेटे की अपनी लाश लेकर आए, तब भी आपको बैंक बोल रहा है जमा करें, अपने पैसा पहले जमा करें, हाँ, हाँ, यही हाँ। बात है। अच्छा जी, उसके बाद अभी आपने क्या बताया कि नोटबंदी हुई, हाँ, लग रही और ये जो कोरोना चला इसके चलते हम 2 साल। कितना पैसा आपने लिया था? 60,000 लिया था सर, सिर्फ 60,000 रुपए। उसका 3,25,000 एनडी बैंक ने भेजा हमारे पास। सुन लीजिए भाई साहब, सब लोग सुनिए ध्यान से, जितने साथी खड़े हैं एक बार ध्यान से सुने। भाई साहब यहाँ आए हुए हैं शाहजहाँपुर से, इनकी समस्या क्या है? 60,000 रुपए का लोन लिया था, कितना आपके पास नोटिस आया है? 3,25,000 रुपए का नोटिस आया हुआ है। जो आदमी 60,000 रुपए जमा करने में असमर्थ है, वो 3,25,000 कैसे जमा करेगा, मुझे ये बता दो प्लीज। कोई बता सकता है? जो आदमी 60,000 नहीं जमा कर पा रहा है, वो 3,25,000 कैसे जमा करेगा? उसके बाद इन्होंने बताया कि इनके बेटे की डेथ हो गई थी। समस्या सुनिए, इनके बेटे की डेथ हो गई थी, तब भी इनको रिकवरी वाले बोल रहे पैसा जमा करो। 2010 में लोन लिया, फिर उसके बाद हमने मेनका गांधी को लेटर लिखाया, एम्स मेरे खपड़ी का ऑपरेशन हुआ, मेनका गांधी खुद जानती है, उन्होंने लेटर लिखा। आपकी सांसद मेनका गांधी, श्रीमती जो मेनका गांधी जी, वो जानती हैं, पीलीभीत माध्यम से लिखा था जी, उन्होंने पीलीभीत माध्यम से लिख दिया था, एम्स में भेजा, तो वहाँ मेरी 1 साल इलाज चली। फिर उसके बाद कुछ समर पाते, उसके बाद 2-4 साल बाद लड़का एक्सीडेंट जो कमाने वाला था, वो लड़का खत्म हो गया, वो उसे चंडीगढ़ से ब्लास्ट ले गया। क्या बात रखना चाहते हैं अभी आप सरकार के पास, क्या बात रखना चाहते हैं? बात रखना चाहते हैं सरकार कोई भी हो, जनता का कर्जा माफ करे। अच्छा, जब बड़े बड़े उद्योगपति कर्जा माफ हो सकता है तो जनता का तो छोटा छोटा काश्तकार है हम लोग। पता है आपको कितना कर्जा माफ किया गया? आपको पता है कितना कर्जा माफ किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में? खड़े रहिए, मैं बता देता हूँ, लाइन व्यवस्थित रूप से खड़े रहिए भाई, मैं बता देता हूँ। पिछले कुछ सालों में कुछ अमीर लोगों का, आप जैसे ही लोग हैं, लेकिन वो धनाढ्य लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, 24,00,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। कितना माफ किया गया भाई बताओ? 24,00,000 करोड़ रुपए, 24,00,000 लोगों का 1-1 करोड़ रुपए माफ करेंगे तब 24,00,000 करोड़ रुपए माफ होगा।
अभी कुछ दिनों पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा सुभाष चंद्रा जी, जी न्यूज वाले, कितना करोड़ माफ किया गया उनका, 37,000 करोड़ रुपए। पढ़ा करो भाई साहब, 37,000, वो पैसा इनका नहीं है, आप ही लोगों ने जो ब्याज में पैसा वसूल रही ना बैंक आपसे, इनका 60,000 का 3.25 लाख कर दिया, जो इनका बढ़ाया गया 2.5 लाख रुपए ना, वो पैसा उनको दिया जा रहा है, आपको क्यों नहीं वापस किया जा रहा है, मेरा सवाल है ये आप लोगों से, उनसे सही सवाल है ये, आप लोग सोचिए। 37,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा जी का माफ किया गया, कितना माफ किया गया, कितने लोगों का, कितना है कोई यहाँ 37,000 करोड़ वाला भाई जिसको माफ कराना हो, 37 करोड़ वाला कोई खड़ा है लाइन में, 3 करोड़ का, 1 करोड़ का, 50 लाख, एक दो लोग यहाँ मिलेंगे जिनको 50 लाख या 25 लाख या 20 लाख का कर्जा होगा, यहाँ तो 50,000 वाले लाइन में लगे हुए, कितना कर्जा भाई साहब, 3 लाख रुपए लगे हुए हैं लाइन में, लाइन लगा रहे हैं, अपना समय काम धंधा छोड़ के यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, 37,000 करोड़ रुपए माफ किया जा रहा है, पता है क्यों माफ किया जा रहा है, आप लोग बोलते नहीं है, चुप हो आप लोग, मैं वहां से यहाँ चला आया, यहाँ किसी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मेरे पास ये समस्या है इसलिए माफ किया जा रहा है, आप बोलो ये बोले तो इनके साथ ये भी बोले कि हाँ जी यही समस्या है, अपने सांसद विधायक से जब ये बोलेंगे, जब ये बोलेंगे, जब आप बोलोगे कि भैया मेरा कर्जा कब माफ करोगे, तो बोलेगा मेरे से फालतू की बात मत करो मैं बताऊंगा तुम्हें, तो ये बोलेंगे भाई साहब जब पूछ रहे उनका जवाब दो, ऐसे कैसे जा रहे, इनकी समस्या नहीं मेरी भी यही समस्या है, तब वो बोलेगा, आवाज में आवाज मिलानी पड़ेगी आपको, अपने सांसद विधायक से जब कोई पूछे कि मेरा कर्जा कब माफ करेगा बता, मैंने तुझे चुना है मेरी समस्या का समाधान करने के लिए, किस लिए सांसद विधायक चुने जाते हैं भाई साहब, अपना फोर व्हीलर में घूमे संपत्ति बनाए जनता की समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, तो आप जनता हो, आपकी समस्या का समाधान, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जो आप चाहोगे वो होगा, कब होगा, जब आप संगठित होगे, आपको जाति धर्म में भी बांटा जाएगा, सुन लो फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताते हैं सर भी बताते हैं, आपकी जाति कौन सी है, कौन सी जाति आपकी, कौन सी जाति आपकी, धर्म कौन सा है, एक ही धर्म एक ही जाति, कर्जा वाले, हम सब कर्जा वाले भाई, किसको किस पे कर्जा है बताओ मुझे हाथ उठा के, किसके किस पे कर्जा है हाथ उठाओ, आप पे ना है भाई साहब कर्जा, आप सब आप पे कर्जा नहीं है भाई, हाथ उठाओ किस पे कर्जा है, मैं फिर से आऊंगा हाथ उठाओ किस पे कर्जा है भाई, मैं दिखा देना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को, ये यहाँ अमरोहा के लोग हैं ये बता रहे हैं किस पे कर्जा बाबा, कर्जा नहीं आप पे, हाथ उठाओ किस पे कर्जा है भाई, हाथ उठाओ लाइन वाले साथी सब पे कर्जा है, हाथ उठाओ प्लीज, इतना तो कर ही सकते हो, इतना कष्ट नहीं सहन कर पाओगे, रिकवरी वाले परेशान करते हैं तब भी कष्ट होता होगा, होता है ये कम कष्ट है, हाथ उठा के रखो, मैं आ रहा हूँ सबके पास, ये देख लीजिए ये लोग हैं जिन पे कर्जा है, इन्होंने कहा इन पे कर्जा है और ये कर्जे से परेशान है, कर्जे से परेशान हो आवाज आनी चाहिए भाई, कर्जे से परेशान हो, मांग क्या है, एक ही मांग, जनता का कर्जा जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ हो ठीक है, माफ करना ही पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से आप लोग अपनी बात फिर से रख सकते हैं, मैं दोबारा एक एक करके आ रहा हूँ, बहुत सारी जानकारी आज दूंगा आप लोगों को, ऐसी जानकारी कि आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, ठीक है, ऐसी जानकारी जो आप लोगों के पास है ना, लोन कैसे माफ होता है वो भी बताऊंगा, बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि लोन कैसे माफ हो सकता है, मैं बताऊंगा आज आपको कि लोन कैसे माफ होता है, और एक्चुअल में लोन माफ हो चुका है, सभी साथी ध्यान से सुने, लोन माफ हुआ है, सुना है हमने कभी पहले, मैं बताता हूँ कैसे हुआ है, कभी हमने सुना किसानों का लोन माफ हुआ हो, सुना है ना किसानों का लोन माफ होता है, सुना है भाई किसी ने, हो चुका है कई बार हमने देखा होगा, सरकारें माफ कर देती है, बिजली बकायेदारों का हुआ है कभी माफ, पानी वालों का भी हो जाता है, यानी कि एक सिस्टम समझो, एक ऐसा कोई सिस्टम है, कोई व्यवस्था है जिससे लोन माफ हो सकता है, माफ होता है ना, किसानों का माफ हुआ कोई तो प्रक्रिया होगी, यानी कि कोई प्रक्रिया है जिससे लोन माफ होता है, अब वो प्रक्रिया क्या है वो आपको जानना है, वो हम बताएंगे क्या प्रक्रिया होती है, लोन कैसे माफ होता है, अमीरों को सुभाष चंद्र जी का 37,000 रुपए कैसे माफ हुआ होगा, उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुन लो सब लोग, ध्यान से सुने शांति बना के, ठीक है, क्या करते हैं
सुभाष चंद्रा जी ने क्या किया होगा, उनकी कंपनियां हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, या इस तरफ आ जाओ, इसी तरफ आ जाओ, मैं इसी तरफ रखता हूँ एंगल, इतनी जाओ सिक्वेंस नहीं, ठीक है। उनकी कंपनियां हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग अपनी बैलेंस शीट देते हैं, बैलेंस शीट समझते हैं, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट देते हैं। भाई माइक उठा लाओ सुहेल, जरा माइक उठा लाओ, हो सकता है डिस्टॉर्शन हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी बैलेंस शीट देते हैं, हर महीने बेचते हैं लेखा जोखा समझते हैं ना, कितने रुपए इनकी कंपनी को फायदा हुआ एक महीना में या तीन महीने में, कितने रुपए इनकी कंपनी को नुकसान हुआ एक महीने में, ये हर महीने बेचते हैं। किसको बेचते हैं? तमाम वित्तीय संस्थानों को, सरकारों को, बैंकों को, NBFC बैंकों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बेच देते हैं ये। आपको क्या करना है, आपको भी जी यही करना है, आपको भी जानकारी देनी है अपनी, अपनी समस्या की जानकारी कैसे देनी है, लिखित में कैसे देंगे, कैसे देंगे भाई बोलो, लिखित में देंगे। ये इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि सुन लोगे आप लोग, तो आप लोगों को याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। आपको जानकारी देनी है, कैसे लेनी है, लिखित में। किसको किसको जानकारी दी है वो मैं बताऊंगा, किसको किसको जानकारी देनी है, ठीक है, किसको किसको जानकारी देनी है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी मजबूरियों को, अपनी समस्याओं को लिखेंगे, ठीक है, और लिखकर किसको किसको देंगे, ध्यान दीजिए सारे साथी, आपस में बात ना करें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। सर के पेज के माध्यम से जो साथी सुन रहे हैं वो भी सुन लें, जो लोग यहाँ खड़े हैं अमरोहा के, आप लोग रिकॉर्डर करना ऑन करना चाहें तो ऑन कर लें, रिकॉर्ड कर लें, इस चीज़ को अपने पास रहेगी। जानकारी किसको किसको देनी है, क्या जानकारी देनी है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको जानकारी देनी है कि आप कहाँ के निवासी हैं, इसको उठा के उधर ले जाइए, फ्रंट पे आइए। आपको ये जानकारी देनी है, मैं क्या करके सारी सूचना यहाँ से दे दूंगा, आप सभी साथी बहुत ध्यान से और गौर से सुने, बहुत सारी जनता यहाँ पे आ गई है, मैं फ्रंट पे आ जाता हूँ, बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग जो भी साथी रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए, आवाज सबके पास आ रही है भाई, सुन पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर व्यवस्था रोकनी पड़े तो रोक दीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है, जनता को ये जानकारी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, लोन कैसे माफ होता है, यहाँ से आप जब लोग जाएंगे तो कुछ लोग आप पर हंसेंगे, ठीक है, कुछ लोग आप पर हंसेंगे, शकल लीजिए, कुछ लोग आप पर हंसेंगे, वो क्या बोलेंगे कि लोन ऐसे कैसे माफ हो सकता है भाई, लोन कैसे माफ हो सकता है ऐसे, कि कोई 15 लाख का लोन ले ले, 10 लाख का लोन ले ले, ऐसे कैसे माफ होगा, कोई बताऊंगा कैसे माफ होता है। इसके पहले कभी लोन माफ हुआ है किसी का, किसानों का कभी लोन माफ हुआ है सुना आपने, हाँ दुखा भाई कितने सुना है किसानों का लोन माफ हुआ हो, अरे किसानों का लोन माफ हुआ है भाई, कई तो बात है, सरकार बदल गई है, किसानों का लोन एक बार माफ किया था, सरकार बदल गई थी, तो कोई प्रक्रिया है जिससे लोन माफ होता है, ये तो पता चल गया सबको, देश में ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे लोन माफ होता है, जिससे लोन माफ होता है, ठीक है। आप प्रक्रिया क्या होती है, बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपनी बैलेंस शीट देते हैं बैंकों में, जहाँ उसको लोन लिया होता है, जिससे लोन लिया होता है उसको वो बैलेंस शीट देते हैं, बैलेंस शीट देने के बाद क्या होता है, वो जानकारी भी देना चाहती है, पेपर मिली थी,
जो लिया है उसको छोड़िए, उसके बाद मैं देखना होगा मैं के लिए ना आपको अपडेट दे दूंगा एप्लीकेशन फिर क्या करना है एक एप्लीकेशन आपको अपडेट या आपको देना है बेसिक रजिस्ट्रेशन ठीक है एक एप्लीकेशन आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक से आपको देना है चार हो गए बैंक को बैंक हेड ऑफिस को डीएम साहब को एसपी साहब को चार हो गए दो एप्लीकेशन और लेने हैं अभी किसको किसको मुख्यमंत्री जी को प्रदेश प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पोर्टल होता है ऑनलाइन उनको दीजिए ठीक है उनको देने के बाद कैसे देंगे ऑनलाइन जाने ठीक है उनको देंगे इसके बाद क्या करेंगे एक और एप्लीकेशन लेके प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका ऑनलाइन पोर्टल है और समाज की बात कराया जा रहा है आपको उनसे हाथी करना आप घर बैठे बैठे रजिस्ट्री के माध्यम से ट्रैक के माध्यम से अपने बिल सब दे सकते हैं चाहे जाना चाहे तो चले जाए और सब परिवार जाए कार्यक्रम पूरा हो जाए ठीक है आप जानकारी देंगे तो उसमें आपका आपकी सुरक्षा हो जाए दिलाई जा रही है टोकन नंबर मिल रहे हैं मैं चाहता हूँ दिखा दीजिए आप आठ टोकन नंबर बाहर मांगे जा रहे हैं
वहाँ पे चल रहा है, आप सभी साथियों को यहाँ टोकन दे चुका है, आप सभी लाइन में लगे हैं, एक एक करके यहाँ आपको व्यवस्थित रूप से यहाँ फाइल नंबर दिया जाएगा। फाइल नंबर लेने के बाद वहाँ पे विजय सर्टिफिकेट बताइए क्या यही चाहते हैं कि हम लोग को या तो टाइम मिल जाए या तो फिर हम लोग का कर्जा माफ कर दें। कहीं हम लखनऊ से यहाँ आए थे। लखनऊ से आप आए? चलो लखनऊ से 12 बजे पहुँचे हैं, अभी तक नहीं आई है। समस्या आपकी जो है कर्जे की है, जब आपने लिया कब से आने लगा? सर्टिफिकेट वगैरह की बात बताई है तो वो ये बोले सब फेक है। कौन बोले? वही जो गवर्नमेंट वाले हैं, उनको यकीन नहीं करते, वो बोलते हैं कि ये सब बिहार वाले पे नहीं चलेगा, बैंक में चलेगा, बैंक वाले पास। हम ये चाहते हैं वो हमारी बात सुने, हमारी बात नहीं सुने। तो आप जहाँ पर हैं, आप जैसी और भी महिलाएं इस तरह की परेशानी में हैं या आप अकेले हैं? हाँ जी, सभी परेशान आए हैं। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जब लोन लिया तो कब तक चुकाया, और उसके बाद कहाँ से आपको समस्या आने लगी और किस वजह से आने लगी? हाँ जी, लॉकडाउन जब से लगाया था हमारे यहाँ की माल बाहर से आ नहीं पा रहा है, इस वजह से दिक्कत आई, लोन चुका नहीं पा रहे, तब वो हमें करा के परेशान कर। पोस्टर लगा के घर पोस्टर घर में धमकी देते हैं और धमकी दिए फिर बॉस को जाकर उसको कागज छुपा हुआ साहब के गए, हमारे सास से क्या के गए कि तुम्हें झूठा मत दियो वो कहें फिर छुटा गए, ऐसा अच्छा मेहमान भी आया, कोई भी आया तो अच्छा लगा, ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं, हम लोग मार रहे हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि सुसाइड कर लो, बोलते हैं क्या करें, तुम्हारे हस्बैंड को देंगे अगर आप नहीं दे रहे हो, एक मेंबर तो रहेगा देने के लिए, उनका ये मकसद है, मतलब हम लोग की जान कीमती नहीं है, उनको पैसा कीमती है, हम लोग तो पुलिस प्रशासन से या सरकार से किसी व्यक्ति से कोई सपोर्ट कभी नहीं मिला? अभी तक के तो नहीं मिला है। कहीं शिकायत की आपने? अभी नहीं की है, अभी इसमें जब से ये सुना है तब से ये बात की है, तो वो बोले कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, उसके बाद लगाओ एप्लीकेशन, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो लोग आपकी तरह कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जे की लत में फंसे हुए हैं? कोई भी सुसाइड मत करें, जो भी है लड़के फिरके जो भी है आप उसको करना है, सुसाइड नहीं करना है, लड़ना है अपनी लड़ाई अपने हक के लिए। आप जब से अभियान से जुड़े हो तो इस अभियान को लेकर और सर के बारे में आपका क्या कहना है कि कैसा काम हो रहा है, क्या लगता है? खड़े हो जाइए क्या नाम है आपका? जहाँ राज, क्या कहा आपने, सुसाइड करने वाली थी? आप लोग भी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। फिर हमने लोन चुकाने के लिए ब्याज उठाया तो ब्याज वाले बोल रहे हैं ये सर्टिफिकेट हम लोग पे नहीं काम करेगा। अच्छा, कह रहे ये तो आपने हैंड टू हैंड लिया था, ये लोन से फॉर्म से भी मतलब नहीं है, ये हमसे ही मतलब है, आप हमारा पैसा हमें दो चाहे 6 महीने में, लेकिन दो। अच्छा, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास कि आपको ये बोला गया उस टाइप का? रिकॉर्डिंग भी है, मैसेज भी है, हमने डिलीट नहीं किया है, अभी कल बोले नोटिस आ रहा है तो हम बोले आप नोटिस भेजो हम अपसेट करेंगे, कल से 3 दिन होगा अभी तक हमका नोटिस नहीं आया है, अब हम फोन कर रहे हैं तो नोटिस वाले फोन। अच्छा, ये नोटिस की जानकारी आपको कहाँ से मिली? उन्होंने फोन करा था मेरे को। नहीं नहीं, जो आपने मिली ना शाहनवाज सर, शाहनवाज सर के बारे में क्या आप लोग जानते हैं, कुछ बताएं, कुछ कभी सुना हो? उन्होंने तो ये कहा
आपको सुसाइड नहीं करना है, नोटिस कोई भी आए आपको लेना है, उसमें जानकारी क्या लिखा है, जज ने भेजा है कि बैंक ने भेजा है, पढ़ना है आपको लेना है, और जो लेके आया है उसकी आईडी चेक करना है। तो बहुत आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि देखिए आत्महत्या आप लोगों को किसी को नहीं करना है, आपकी मजबूरी है, आपकी परेशानी, आपको परेशान किया जा रहा है वो समझते हैं, और सिर्फ आपको ही नहीं किया जा रहा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, उधर देखो इतने लोग खड़े हैं, इधर इतने लोग खड़े हैं, सबको मजबूर है, सब परेशान है, ठीक है, डरिए नहीं, आपके सपोर्ट में 10 लाख लोग आ गए, आप सबके सपोर्ट में कितने लोग आ गए, अब 10 लाख लोग आ गए, इतने तो रिकवरी वाले पूरे देश में ना होंगे, इतने तो बैंक के एम्प्लॉय ना होंगे, आप 5 लोग लखनऊ से आए हुए हैं, तबियत ही खराब हो गई, मैं आपका पहले सर्टिफिकेट दिलवा देता हूँ, अभी दिलवा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुरंत अभी दिलवा देता हूँ, और आप लोग जो है जो अपनी समस्या है उसको लिखकर बैंक में देना है, कहाँ कहाँ देना जान लिया ना, कहाँ कहाँ देना है, बैंक में देनी है, ये सारी समस्या जो आपके साथ घटना दुर्घटना हो रही है उसकी भी जानकारी देनी है आपको, ठीक है, चलो आप लोग बैठ जाइए, मैं अभी सर्टिफिकेट वितरण का कार्य चालू करवा रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 10 मिनट के अंदर, आपको भी कुछ बोलना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अपना परिचय दीजिए पहले। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो मैं शहनवाज चौधरी जी की सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी आप सहयोग कर रहे हैं इधर आके, आपका एक प्रोसेस बहुत अच्छा है, आपकी एक मुहिम बहुत अच्छी है, कर्ज मुक्त भारत अभियान, और मैं इससे ये जानकारी चाहती हूँ कि ये जो भी आप कर्ज के बता रहे हैं इसमें टाइम मांग रहे हैं, पर इसमें जो ब्याज दर है वो भी बहुत ज्यादा, ये लोन वाले, होम लोन वाले, फाइनेंस वाले जो भी हैं, ये इसमें 15%, 16%, 20% तक ब्याज ले रहे हैं, तो इससे क्या इनका ब्याज भी कम होगा टाइम के साथ साथ, क्योंकि नॉर्मल पर्सन 5%, 6%, 7% तक इजिली दे सकते हैं साल का। देखिए सर, कर्ज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी लेडीजें पैसा जोड़ जोड़ के पैसा देना चाहती हैं, बट सर इनका जो ब्याज है और जो टाइमिंग है बहुत ज्यादा दे रखा है, ब्याज तो इतना ज्यादा है 18%, 16%, मेरा खुद का होम लोन है और मैं उसका खुद 15% ब्याज देती हूँ सालाना। रिसेंटली मेरे 1.5 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, हम लोग दे नहीं पा रहे, मतलब जैसे तैसे करके दे रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम में आके, मैं भी वर्किंग थी, मेरे हस्बैंड भी हैं, तो मैं क्या ये चाहती हूँ कि इससे ब्याज कम में भी असर पड़ेगा, तो आप इसके लिए गाइडेंस करेंगे प्लीज। आप पहले अपना परिचय दे दे प्लीज। मेरा नाम किरण बाला है, मैं हापुड़ से आई हूँ। अच्छा अच्छा, किसी संगठन से जुड़ी है आप? मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ी, मैं छोटे मोटे सोशल वर्क करती हूँ, तो मैं वैसे ही जुड़ी हूँ। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, मैं सर के पेज से ही उसकी जानकारी आपको लाइव दे देना चाहता हूँ। देखिए परसेंटेज जो आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट या कम होगा कि ज्यादा होगा, हम तो उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी क्या मांग है, आप एक बार गूगल पे सर्च करिएगा कर्ज मुक्त भारत सर्च करिएगा, हमारी वेबसाइट आ जाएगी कर्जमुक्तभारत.co.in, वहाँ पे जाइएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं सूक्ष्म ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं या तो आपको 2 साल का समय दे दिया जाए और या तो आपका पूरा कर्जा माफ कर दिया जाए, जैसे अमीरों का किया जा रहा है, सिंपल, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम PIL लगाने वाले हैं, PIL होता है सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक की एक नोटिस जाता है कि भाई जैसे हमारी ये सूचना है, ठीक है, हमारी समस्या है, तो स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट उसका, हम लोग जाएंगे आपकी बात वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी सुनवाई करेगा, सरकार से पूछेगा कि अमीरों का जिस आधार पर आप लोन माफ कर रहे हो, तो इनका आपका नाम क्या है, किरण बाला जी का, उस आधार पर क्यों नहीं माफ कर सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क सरकार पे लगेगा, बैंकों पे लगेगा, तमाम वित्तीय संस्थाओं पे लगेगा ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, बाकी जानकारी आप सोशल मीडिया के माध्यम से ले लिया करिए, आप गूगल पे सर्च करेंगी शाहनवाज चौधरी भारती, हाँ वो सर का पेज है सर, सारी जानकारी वहाँ पर मिलती है, लेकिन सर पता है प्रॉब्लम क्या पड़ती है, ब्याज आप हटा दीजिए, हम तो कह रहे हैं हमें आप कम से कम कुछ तो टाइम दीजिए, वहाँ पे जहाँ पे हम बैंक में जाते हैं ना, मतलब वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ जाते हैं, पहले तो सबसे पहला तो प्रोटोकॉल होता है, कोई भी लोन होता है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं इस चीज को जानती हूँ, एक तो सरकार की नजर सबसे पहले, अभी मेरे खाते में 10 रुपए माइनस में जाए तो सबसे पहले नजर आ जाएगी, कुछ नहीं है, लेकिन अभी मेरे खाते में मेरा भाई मुझे उधार 10 लाख दे दे तो सरकार बड़ी चौकन्नी होकर देखती है, हैं? सरकार हमारे पैसों को तो देख रही है, हमारी मेहनत क्यों नहीं देख रही, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मैं 4 बजे उठ के ठेला खींच के काम करती हूँ, मेरा कैटरिंग का काम था, लेकिन बट इन दिस टाइम मैं प्रॉब्लम में आ गई, तो सरकार ने उस पर तो हमारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, अभी हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, हम पैसा किसके लिए जोड़े, अपनी फैमिली के लिए तो जोड़ रहे हैं भाई, मेरा पति है, मेरे घर है, मेरी फैमिली है, मैं आज अपने परिवार के लिए सोच रही हूँ, तो क्या गलत सोच रही हूँ, है मैं यही तो चाहती हूँ ना कि मेरी फैमिली अच्छे से खाए, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए सोच रही हूँ, तो कोई गलत तो नहीं सोच,
सोच रही है ना, तो सरकार को एक मिडिल क्लास के लिए तो सोचने के, अमीरों के तो 24 करोड़ वो हो रहे हैं, अभी अडानी का ही आया, उसका अडानी का आया, उसका 9000 करोड़ माफ हो गया, 5000 करोड़ रुपए भी जीन उसके मालिक का हुआ, और किसी का तो नहीं हो रहा ना। अरे मिडिल को सोचो, देश में अभी भी 60% वोट जो जाती है वो मिडिल की जाती है और गरीबों की जाती है, अमीरों से तो सिर्फ उनको नोट मिलते हैं, वोट तो गरीबों से ही मिलते हैं और मिडिल से मिलते हैं, तो सरकार को कम से कम इस चीज को सोचना तो चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, क्यों सोचेगी सरकार, सरकार क्यों सोचेगी, आप बताओ कैसे सोचेगी, मैं बता रहा हूँ कैसे सोचेगी, अकेले आप बात रखोगे नहीं सोचेगी सरकार, आप सब मिलकर बात रखोगे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सरकार नहीं सुन रही है, कब सुनेगी, तो बड़ी जल्दी नजर आती है, ये बात गलत है। अभी एक मैंने अभी नेट पे देखा था, एक बंदे ने जूस वाले ने अपनी बेटी की शादी करी, अरे उसने मेहनत भी तो की, वो एक दिन में तो करोड़पति बना नहीं है, वो कम से कम 25-30 साल से, एक बच्चा भी छोटा होता है वो 25-30 साल में सयाना होता है, तो जब मैं भी हूँ, आज मेरी शादी को 18-19 साल हो गए, मैं भी छोटी छोटी उम्र से मेहनत करती आ रही, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम जब अमीरों का कर सकते हैं, अरे गरीबों की इतनी ज्यादा नहीं, कम से कम कुछ तो कर दो मदद, 20 लाख 50 लाख सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 150 करोड़ के मंदिर बन सकते हैं, कम से कम ढंग की वो तो हो जो हमारे हित के लिए सोचा जाए। मैं इसलिए आपके साथ इस कर्जा मुक्त अभियान में यहाँ पे आई हूँ हापुड़ से, मुझे आपका ये जो आपका बात लगी बिल्कुल एक मुद्दा लगा कि इस समय ये भी बहने हैं, ये भी बहने हैं, देखिए हम मिडिल क्लास की लेडीज हैं, हम तपती धूप में इतनी दूर से आए हैं, मेरे को खुद बीमार हूँ, कैसी कैसी तकलीफें झेल रहे हैं हम जानते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपने जो बात रखी ना स्पष्ट रूप से, ऐसे ही बात आपको रखनी है, आप सभी सुन लीजिए, आप सबको ऐसे ही स्पष्ट बात रखनी है अपने अपनी सबके सामने, ठीक है, आपकी बात कब सुनी जाएगी, अभी मैंने बताया, अभी आप 10 लाख लोग हो, आप जाके यहाँ से 1000 लोगों का फॉर्म भरवा देना, खाली सूचना दे दो, जो जो लोग परेशान है लोन से सब चीजों को सूचना दे दो, भाई आप फॉर्म भर दो खाली, जैसे ही ये 1 करोड़ लोग हो जाएंगे आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका लोन माफ कर दिया जाएगा, जैसे अमीरों का किया जा रहा है, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल लिख के देते हैं, कोई बड़ा आदमी कहने नहीं जाता मेरा लोन माफ करो, वो केवल लिख के भिजवा देते हैं, उनका माफ हो जाता है, क्यों, आप लोग संगठित नहीं हो, बस आप सब लोग संगठित हो जाओ, एक स्वर में, जैसे ये बहन जी ने माता जी ने अपनी आवाज उठाई है, वैसे ही आप सबको अपनी आवाज उठानी है, बार बार ये आते हैं कि गरीबों, ये मिडिल क्लास की लेडीज के पास पैसा बहुत है, लोग दारू में रहते, कौन, मैं आज ये भी कर रही है, कोई भी अपने पति को दे दे 10,000 रुपए दारू पीने के लिए, कोई नहीं देगी, सर इंडिया की लेडीज बहुत समझदार होती है, बहुत समझदार है, ये बिल्कुल सही बात है, झेलती है वो बहुत समझदार है, सही बात कह रही है, आप हमारी जगह, आज इनके साथ 4 बच्चे हैं, क्या गलत सोच रही है अपने बच्चों के लिए, कुछ गलत नहीं सोच रही, आज वो 4 बच्ची हैं, उनकी शादी के लिए, उनके शादी के लिए आगे फ्यूचर के लिए सोच रही, गलत नहीं सोच रही, सही बात है, तो इस चीज पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी साथियों ने सुना कि इन महिला ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, क्या बात रखी है कि मिडिल क्लास आदमी ईमानदार आदमी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिडिल क्लास आदमी सच में ईमानदार होता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अंकल जी एक मिले थे अभी मुझसे, कह रहे थे कि मैं अपना लोन जमा करना चाहता हूँ, ये बैठे हैं सामने, मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप अपना लोन जमा करना, आपने यही कहा ना कि अंकल जी आए हैं, कहाँ से आए आप, फैजाबाद से, ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आए हुए हैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कितनी उम्र है आपकी, 68 साल के वृद्ध यहाँ पर आए हुए हैं अपना कर्जा माफ कराने के लिए, नहीं ये सिर्फ समय लेने के लिए आए हुए हैं, इनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया बैंक के द्वारा, गलत सिस्टम बनाया गया है, परेशान किया गया है इनको, उसके लिए सिर्फ इतने तो करके यहाँ पर आए हुए हैं, नहीं चाहते इनका कर्जा माफ किया जाए, इनको 2 साल का समय दे दिया जाए, जब बाकी जो चीज़ें हैं वो किया जाए, तो मैं अयोध्या से बताओ यहाँ चल कर आए हुए साथियों, बात मैं देखना चाहता हूँ, बहुत क्लाउड हो रहा है वहाँ पे, ये देखिए लीगल टीम हमारी जो है जानकारी दे रही है, एक एक करके इतने सारे लोगों को एक साथ जानकारियाँ दी जा रही है, और ये निशुल्क सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, अरे भाई एक बार नारा लगवा दो, नारा लगवाओ, नारा लगवाओ, एक बार नारा लगवा दो, करना पड़ेगा। साथियों बहुत ही व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम जैसा अगर देख रहे चल रहा है,
सर्टिफिकेट वितरण कार्य मैं चालू कर रहा हूँ दोबारा से, और जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।